अरे वेदिका जी, अगर अपन खुले में मस्ती नहीं कर सकते तो भगवान को थैंक यू तो कह सकते हैं। गणपति बापा मोरिया थैंक यू। देखो वेदिका जी, भगवान ने अपन की मदद की लिए तो थैंक यू बोलना बनता है ना, वरना बुरा मान जाएंगे भगवान। अरे वेदिका जी, आपका चेहरा तो उतरा हुआ काहे को है? अरे अपनी पहली जीत है वेदिका जी, अपन को तो इतनी मस्ती आ रही, इतनी मस्ती आ रही, मन कर रहा है कि आपको अपन अपन अपने आप को हक कर लेता है। कोई बात नहीं बेटा, हर पंडर का दिन आता है, एक दिन तेरी मेहनत की कदर करेगी। हो गया तुम्हारा, तुम्हारी इन फिजूल के बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब शायद तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे अपने बच्चे को बचाना है। एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकती मैं। अब मैं देखती हूँ वो कमीना मक्कार पुनीश तिवारी मेरे वेद को कैसे नहीं छोड़ता। अरे इतनी जल्दबाजी काय को कर रही है वेदिका जी, आज रात तक तो रुक जाओ, फिर देखना क्या मजा आने वाला है। अरे वो गटर के कीड़े पुनीश तिवारी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली वेदिका जी, अपन को तो इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। क्या कर, सॉरी आयला आयला, सॉरी मैंने देखा क्या कर लिया तुम, सॉरी सॉरी वेदिका सर। आज की रात उस वेदिका की बेटी को हासिल करके रहेंगे, क्योंकि उचित समय आ चुका है। अब आएगा मजा। बहुत तिरस्कार किया तुमने हमारा वेदिका करवा, अब तेरी बेटी के साथ बदसलूकी करके अपने प्रतिशोध की आग को मैं ठंडा करूंगा। कितनी अच्छी चटकीली ड्रेस लेकर आए हैं। थैंक यू फॉर द ड्रेस। और वो जो आपने हमारे लिए जूस रखा था ना, बहुत अच्छा था। आज तो हमें एक बार फिर प्यार हो गया आपसे। तूने सोचा था मुझे डरा धमका के कुछ बेवकूफ बना लेगा तू पुनीश तिवारी? याद रख, मैं साहिल पापा और अपनी मम्मा की बेटी हूँ, तो जैसे लीचड़ के काबू में कभी नहीं आने वाली मैं। बकवास अपनी बंद कर, दफा हो यहाँ से। साहिल देखना, मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार ही नहीं करते। लगता है तू भूल गया है कि हम कौन है। कंगले इंसान हो तुम पुनीश तिवारी। जय भगवती देवी, नमो वरदे। जय भगवती देवी। दो कौड़ी की भी औकात नहीं है तुम्हारी। तेरा और तेरा परिवार साला पुनीश तिवारी की बोटियों पे पल रहा है और कंगाल हम है। कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास, जो जायदाद तुमने अपनी पत्नी के नाम करवा दी थी ना, तुम्हारी पत्नी ने उसे वापस साहिल के नाम कर दी है। और अब तुम्हारी पत्नी की वजह से ही मुझे मेरा बेटा वेद वापस मिल जाएगा। मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो पुनीश, वरना ये जो
जायदाद, दौलत और पैसों के लिए तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया है। मेरे जीते जी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। कहा था ना मैंने पुनीश तिवारी, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे मेरा बेटा वेद वापस दे दो सही सलामत, और ये सारी जायदाद, घर, पैसा जो साही के नाम पर है तुम सब ले लो, क्योंकि मेरे बच्चे के सामने ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे मेरा बेटा वापस दो। इस घर का चिराग है वेदु। वेदिका, अभी लड़ाई तू अकेले नहीं लड़ेगी, हर कदम पे इसकी सास इसका साथ देगी, और हम दोनों मिलकर इस आदमी को जीतने नहीं देंगे। पुनीश तिवारी, मैं भी अपनी मम्मा के साथ हूं, इसलिए वो करो जो वो कह रही है। सट्टेबाजी अच्छी करती है तू वेदिका अग्रवाल, लेकिन जो ये जुए की खेल खेला है तुमने पुनीश तिवारी, उसमें मजा हुआ खिलाड़ी है। तुम्हारे दांव पे चल जाते लेकिन एक छोटी सी अड़चन है। अड़चन नहीं है वैसे, राज है। तुम तो जानती हो ना कि पुनीश तिवारी के सामने राज राज नहीं रहा करते। ये लौंडा जिसके नाम तूने सारी संपत्ति करवा ली है, ये साहिल तो है ही नहीं। रे, दिमाग खराब है तेरा? एक इंसान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, उसके वजूद पर शक कर रहे, साहिल को साहिल मानने से इनकार कर रहे हो, घबरा गए हो क्या? कितनी बार तुझे कहा है कि अपना मुंह बंद रखा कर, परंतु जो हम तुम्हें बताने वाले हैं ना उसी तरह मुंह खुला का खुला रह जाएगा, तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तेरा बेटा बेटा हार चुका है, चुका है। और तेरे सामने जो खड़ा है वो हूबहू साहिल का हमशक्ल है। और ये तेरी बहू सत्य की मूर्ति वेदिका अग्रवाल, ये सारा षड्यंत्र इसी का रचा हुआ है। तुझे, मुझे, सबको इसने बेवकूफ बनाया। एक दो कौड़ी के लौंडे को साहिल बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया और हमारी आंखों में धूल झोंक दी। ओए, रुपया ना तू पुनीश तिवारी को बेवकूफ बनाओगे तुम। अपनी हार से बौखला गए हो तुम, किसी से भी पूछ लो ये साहिल अग्रवाल ही है। तो दे दो हमें इस बात का प्रमाण। कहो इस लौंडे से कि तेरी मांग में सिंदूर भर दे, ताकि हम सबको प्रमाण मिल जाए कि यही साहिल अग्रवाल है।
क्या हुआ वेदिका अग्रवाल? सत्य की मूर्ति निकल गई सारी हेकड़ी। अरे चुप कर, हर कोई तेरे जैसा धोखेबाज और नीच नहीं होता है। चल साहिल बेटा, भर दे वेदिका की मांग और मुंह बंद कर दे इस कमीने का। हाँ साहिल, लो भरो संदूक ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। साला ये नहीं होगा रे अपुन से। जिंदगी भर कमीना बन के पब्लिक को लूटा अपुन ने, मगर वेदिका जी जैसी सच्ची और शरीफ औरत की मांग में अपुन साला सिंदूर कैसे डालेगा? कुछ तो करना पड़ेगा अपुन को। सोच जैकी सोच। वेदिका जी, हमारे प्यार को हारने मत देना। जो इस अनोखी प्रेम कहानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन सब से लड़ना। कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। आने वाले हर लाइफ में हम दोनों साथ ही रहेंगे वेदिका जी। मेरे दिल में है पुनीश तिवारी, और वो इस वक्त यही चाहता है कि हमारे बेटे वेद की जान की खातिर मैं तुझ जैसे राक्षस का डट के सामना करूं। किसी भी हाल में मैं रावण को जीतने ना दूं। देख लिया तूने? अब कान खोल के सुन ले, वेदिका जो कहती है वैसा वैसा कर तू। नहीं, पुनीश तिवारी को हार मंजूर नहीं है। पुनीश तिवारी की पराजय नहीं होगी। नहीं, हार तो तुम्हारी हो चुकी है पुनीश तिवारी। अब मुझे मेरा बेटा वापस दो, वरना ये जायदाद कारोबार घर सबसे हाथ धो बैठोगे तुम। मुझे ये पराजय स्वीकार नहीं है। क्या हो रहा है तेरे को? हाँ, उस वेदिका जी ने तेरे दिमाग की दही कर डाली है। फुल टाइम उनके बारे में ही सोचते रहता है, और अब जब हाथ पकड़ के मांग भरवाई अपनी, तो तेरे हाथ काहे को कांपने लगे? हाँ, मेरे को मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने जैकी से नहीं, साहिल से मांग भरवाई है।
के लिए तो अपुन साला कुछ है ही नहीं, और उन्होंने दुनिया के सामने अपुन को साहिल बना के उनकी मांग भरवाई है। और ये बात साली कांटे की तरह चुभ रही है तेरे को, क्योंकि अब इस कमीने जैकी को उनके दिल में अपनी जगह बनानी है। साहिल बन के नहीं रहने का है, जैकी बन के उनका दिल जीतने का है। अबे सटके लाए क्या साले, वो नहीं करने वाली तेरे से प्यार। निकाल दे ये ख्याल भेजे से और वही कर जिसके लिए तू आया है यहाँ पे। मगर साला दिल चाहता है कि चार दिन ही सही वेदिका जी के लिए जीऊं, कर डालू उनसे प्यार, चाहे साला दिल क्यों ना टूट जाए। लो, ना मना मत करो वेदिका, हम मानते हैं कि ये करने में हमको थोड़ी देर हो गई है, मगर इतना जान लो कि इतने सालों में ये हमने किसी को नहीं दिए। ये गहने हम उस लड़की को देना चाहते हैं जिसे साहिल अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आए, हमारी बहू बनाकर, और वो तुम हो। साहिल के दिल की चाहत, उसकी जीवन संगनी वो तुम हो, और ये बात अब हमको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। मानते हैं कि सब करने में हमको थोड़ी देर हो गई है, कहे कि तुम्हारी प्रेम कहानी में सबसे ज्यादा बाधाएं हम ही ने डाली है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। काश कि ये खुशियां बहुत पहले आ गई होती तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन वेदिका अभी भी देर नहीं हुई है। वेद, मैं यकीन मानो हमारा, तुमसे नफरत करते हुए भी ना हमने हमेशा तुम्हारी हिम्मत की दाद दी है। तुमको दुश्मन मानते हुए भी हमेशा दिल से हमने तुम्हारी इज्जत की है। न जाने कितनी बार इस घर, इस परिवार को बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली है, लेकिन वेदिका बिटिया, अब समय आ गया है कि तुमको इस घर की बहू बनने का हक मिले, इज्जत मिले। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा वेदू हमें वापस मिल जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम तो ये चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। कैसे, मैं कैसे बताऊं आपको कि जिस हक की बात आप कर रही हैं उसका फिलहाल कोई वजूद है ही नहीं। जिस साहिल की संगनी का दर्जा आप मुझे देना चाहती हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन मैं इस परिवार की रक्षा करूंगी, हर मुसीबत से लड़ूंगी जैसे मेरा साहिल किया करता था। साहिल, तुम्हें बचना होगा साहिल, अपने बच्चों के लिए, बड़ी अम्मा, सबको तुम्हारी जरूरत है साहिल। नहीं साहिल, हाथ मत छोड़ना साहिल। खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बना।